जनता पार्टी से, उनका इसी के तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने किसी भी मंच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की। संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, क्योंकि जो भाषा हमने सुनी, जो भाषाई शैली थी, कहीं ना कहीं से सीधे आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए क्या है, देश अभी एहसास नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदा से एक ही मकसद रहा है, सत्ता मकसद नहीं रहा है, जनता का विकास, जनता की भलाई, जनता को पानी मिले, जनता को रोजगार मिले, हमारा मुख्य मकसद है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो, अन्ना महाराज हो, चाहे जितने भी और लोग दिख रहे थे, अंजान और भी जो लोग दिख रहे थे, और जो दूसरे विपक्षी दल भी है, उनको भी आज की तारीख में सही तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे। ये पूरी एक कम्युनिस्ट लाभी है। कम्युनिस्ट लाभी जहां जहां भी गई, जहां जहां भी राज किया उसने, उस चीज में वहां उद्योग बर्बाद हो गया, उद्योग खत्म हो गया, गरीबी आ गई, गरीब आ गया। ये बात समझ में नहीं आई संजय जी। उद्योग खत्म हो गया, किसान जा रहे हैं, गांव की जमीन खत्म हो रही है, खेत खलियान मिटे जा रहे हैं, आप पूरा 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 कंक्रीट के पूरी बिछाने की बात कर रहे हैं। हम तो देखिए क्या है ना, हम तो उद्योग ऐसा क्यों होता है, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी, गांव क्यों नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी भूमि अधिग्रहण करेगी, एक एक जगह के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है, हम BSP नहीं है कि किसानों को गोलियां चलवा दी, किसानों को गोलियां चलवा दी, हम बसपा नहीं है। राजनाथ सिंह जी से आप लोगों ने बात, किसानों ने बातचीत भी की, कोई कुछ असर नहीं। हम बसपा नहीं है कि किसानों पे गोलियां चलवा दे, हम सपा नहीं है कि किसानों को लूट ले, हम तो भारतीय जनता पार्टी है। हम जहां भी करेंगे तो अच्छा करने के लिए करेंगे, अच्छी सड़क, अच्छी सड़कें बनाने के लिए करेंगे, पानी की सही व्यवस्था कराने के लिए करेंगे, पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए करेंगे, अच्छे उद्योग धंधे लगाने के लिए करेंगे, अच्छे कॉरिडोर बनाने के लिए करेंगे, और साथ ही साथ रही किसानों की सहभागिता की बात, तो हम ये आपसे कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूँ कि आप देखिएगा इतना रोजगार पैदा करेंगे, इतना इतना काम पैदा करेंगे। साहब यही तो बड़ा सवाल है, आप गोली नहीं चलाएंगे, आप उनकी उन पर जबरन जो है बनमानी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जो जमीन में बसती है जबरदस्ती उसको छीन जरूर लेंगे। किसान हमारा साथ है, किसान हमारा साथ, किसान किसान ये ना कुछ किसान होता, क्षणिक लोग हैं जो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल और अन्ना की गलत फहमी में, गलत फहमी में, और जो है इस तरह के मूवमेंट में असामाजिकता और असामाजिकता फैला रहे, और कुछ नहीं। तमाम किसान संगठन आपके अगेंस्ट खड़े हैं, किसान आपके अगेंस्ट खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, किसान खड़े हैं 120 साल में जो अधिकार था, किसान कुछ इस दिन खड़ा हो जाएगा, संजय जी देश कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उद्योगपति चार छह उद्योगपतियों के सरकार साबित होगी, चार छह उद्योगपतियों का मुखौटा सरकार है, और 120 साल का जो कुछ मिला उसे हिटलर साहब से किस तरह से लाए गए हैं, किसान संगठनों को भी आप अचंभे में रहेंगे, किसान की क्या ताकत है, आपको मालूम है साथ है, साथ ये हिटलर शाही केवल दो चार छह उद्योगपतियों का मुखौटा है। जहाँ पे भी उद्योग आएगा, जहाँ भी इंडस्ट्री आएगी, विकास होगा, किसान खुश होगा, किसान को पैसा मिलेगा, किसान को रोजगार मिलेगा। अधिकार आपको दिया पूरे देश में तो सम्मान दिया, सरकार पार्टी ने मकान बनाने की सरकार दिया, पुनर्वास की असेसमेंट कमेटी नहीं है, कोई उसके बावजूद जो रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो UPA का चार गुना था ये उसको दुगना कर दिया गया है, और जो कहीं भी आप अगर कोई नेशनल उसमें कर रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन PP मॉडल के लिए सबके लिए केवल चार छह उद्योगपतियों का मुखौटा साबित होना हो रहा पार्टी का, अब उनके लिए काम किया जा रहा है, एक या पूरा किसान बाहुल देश में ये मालूम हो रहा है, पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टी एक मंच पर पहुंच चुका है, आप वाम पंथ की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से समझिए 150 साल में अधिकार मजदूरों को लेते हैं, वो एक मिनट में झटके से छीन ले, एक सेकंड
बोलिए, मेरा ये कहना है, देखिए जब अगर हमको बड़ा, क्या आज 5 साल मिला भाजपा को, ठीक है, इन्होंने कहा कि 2019 में रिजल्ट आ जाएगा, जैसे दिल्ली हो गया वैसे पूरा देश हो जाएगा, मैं कहता हूँ ठीक है पूरा देश में एको सीट ना मिले, लेकिन हम जो इसलिए आए थे, राजनीति करने आए थे, नैतिक ताकत वाली करने के लिए आए थे, आज हम अगर जनता को, जनता को घर दे पाए, जनता को पानी दे पाए, जनता को रोजगार दे पाए, जनता को अच्छी सड़कें दे पाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाए, और यहाँ का अमेरिका क्यों जा रहा है? आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी गांव में किसानों से जमीन दी जाएगी उनका विकास पूरी तरीके से होगा, ठीक है। जमीन, मैंने आपने अगर ध्यान दिया हो शुरू में भी बोला था कि जमीन खाली गरीब या किसान के पास नहीं होती, जमीन अमीरों के पास भी होती है, लेकिन वो फार्म हाउस कहे जाते हैं। अगर आप दिल्ली के आउटर एरिया में देख लीजिए, आउटर सर्कल में देख लीजिए, हरियाणा आउटर सर्कल में देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े घराने के लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ के फार्म हाउस है, उनको क्यों नहीं रहते आप? वहां भी अधिग्रहण होगा, वहाँ के लिए भी योजनाएं बन रही है, वहाँ भी अधिग्रहण होगा, वहाँ भी अधिग्रहण होगा, भूमि अधिग्रहण बिल में आप सिर्फ किसानों की जा रही है, उन लोगों की बात क्यों नहीं की जा रही है? आपके अधिग्रहण बिल में सिर्फ किसानों की बात क्यों जा रही है, क्यों की जा रही है, उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? उनको भी जो जमीनें मिली है, उन्होंने जिस वजह से मिली है, कांग्रेस के शासन में जिस वजह से भी हासिल किए, 15 साल हमारा शासन नहीं था, जिस तरीके से भी उन्होंने जमीनें ले ली है, वो जमीनें जो है वो एग्रीकल्चर के मोड पे ही ली है, फार्म हाउस वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो एग्रीकल्चर के मोड पे ही बनाए हैं, वो कोई एग्रीकल्चर का मोड, तो आप फिर उन जमीनों को कैसे ले सकते हैं जो बहुफसलीय हो? आपने आपके बिल में ये सीधे सीधे प्रावधान है कि जो बहुफसलीय जमीन है उसे भी आप ले लेंगे, आप एग्रीकल्चर जहाँ पे भी, जहाँ पर भी हमको उपयोगिता लगेगी कि यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो राष्ट्र के हित में है, जो देश के विकास के हित में है, वहाँ पे जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं। राष्ट्र का हित की बात आप कर रहे हैं, संसद में भी 51% के आधार पर ही किसी तरीके का निर्णय लिया जाता है, संसद में तो आप निर्णय ले ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके अगेंस्ट तो सबके सब खड़े हैं, आपने बिल पेश कर दिया, पास कैसे करा पाएंगे, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा के बहुमत का दुरुपयोग है, लोकसभा हमारा बहुमत है। आप संजय जी को सुनते हैं, मंच पर आ गए तो तमाम नेतागिरी करने के लिए पहुंच गए, आप कह रहे अच्छा फुल ब्लैक नेतागिरी चुके उनका पहले की बात है 12 करोड़ अभी 10 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र एक बार फिर आंदोलन, आप 10 दिन पहले की बात है, अभी बारामती पहले की बात है, बारामती में किसानों का एक कोई वहां पर फंक्शन किया गया था जिसको जो है लीड कर रहे थे शरद पवार साहब, तो वहां पर प्रधानमंत्री महोदय गए, तमाम लोगों ने आपत्ति जताई, तमाम लोगों ने कहा अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है उनकी, तो बिल्कुल सही बात है। आप उस बात को वहां क्यों गए थे? उन्होंने बताया कि मेरी शरद पवार साहब से महीने में 2 बार या 3 बार जैसे बात होती है, राजसलाम लेते रहते हैं, तो वो वहां पर गए, उनका जाना जायज था, उनका जगह जाहिर था। आज अगर मुख्यमंत्री दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां उस मंच पर पहुंच गया, किसानों के प्रति सही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो अरविंद केजरीवाल कही है किसानों के साथ रूबरू होकर के उन्होंने अरविंद केजरीवाल कहा, सरकार का काम क्या है? आप पूंजीपतियों को भी आप खुश रखिए, किसानों आप पूंजीपतियों के अगर एजेंट बन जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर की तरीके काम करेंगे तो क्या मैसेज आएगा? अरे किसानों को भी खुश देते, आप उन्हें भी देते, ठीक है, आपने एक तरफा बात किया, उनको खुश रखने के लिए आप अध्यादेश किया, अध्यादेश, अरे कुछ दिनों में चर्चा करा लेते, बहस करा लेते, जो भी बातें होती
सही, कुछ आपकी बातें सही थी कुछ औरों की, आपने तो एक तरफा सिर्फ पूंजीपति, हाँ जी हमने आपके लिए कुर्सी पर बैठते ही पूंजीपति चलेंगे, किसान नहीं चलेगा, नहीं किसान नहीं चलेगा कि आप नहीं चलेंगे, किसान का हक लेने में आपको लाइसेंस मिल जाता है, वो क्या उनको चलने की छूट देते हैं।